हेलो गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे, एनालाइज करेंगे हमारी पोएम ऑटम सॉन्ग, जिसको लिखा है दांते गैब्रियल रोसेटी ने। एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू आवर पोएट एंड आल्सो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन टू द पोएम। बिफोर स्टार्टिंग डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं हमारे पोएट के बारे में। तो दांते गैब्रियल रोसेटी ये एक लीडिंग फिगर थे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर थे। प्री राफेलाइट ब्रदरहुड एक मूवमेंट हुआ था। इस मूवमेंट में जो मिडीवल पीरियड था, यानी कि मॉडर्न पीरियड के पहले वाला टाइम, जो मिडीवल पॉइंट टाइम था, उसके आर्ट स्टाइल का, उसके थीम्स को वापस से रिवाइव करना, यानी कि उसको वापस से यूज करना, स्टार्ट करना, इसके लिए मूवमेंट हुआ था। और उसी में ये एक लीडिंग फिगर थे। ये सिर्फ एक जाने पहचाने पेंटर ही नहीं, बल्कि एक हाईली रिगार्डेड पोएट भी थे। इनकी पोएट्री में जो इमोशनल एक्सप्रेशन होता है ना, वो ऐसा होता है कि एनी पर्सन हु इज रीडिंग दैट पोएट्री विल हैव अ कनेक्शन विद इट। इमीडिएटली हम उसके साथ एक कनेक्शन बना लेते हैं, कनेक्शन बन जाता है बिकॉज ऑफ हिज रिच स्टाइल ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन। थर्ड पॉइंट हियर इज रोसेटी'स पर्सनल लाइफ वाज मार्क्ड बाय ट्रेजेडी एंड ट्यूमल्ट, इंक्लूडिंग स्ट्रगल्स विद मेंटल हेल्थ इश्यूज। बेसिकली इनकी जो पर्सनल लाइफ थी बहुत ही तकलीफों और बहुत ही मुश्किलों से भरी हुई थी। इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज भी थे और इसी वजह से इनके वर्क पे काफी प्रभाव आया, काफी फर्क पड़ा इनके वर्क पे बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पोएम का नाम है ऑटम सॉन्ग, तो ऑटम की ही बात हो रही होगी यहाँ पे। सेंट्रल आइडिया ऑटम का ही होगा, वो सीजन जो हम जिसको पतझड़ के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे एक ऑरेंज ऑरेंज सा आपके दिमाग में इमेज आ जाएगी, जो एक पर्टिकुलर लीफ की इमेज आ जाएगी जो ऑटम को रिप्रेजेंट करती है। पर ऐसी ही इमेज को इन्होंने बहुत ही इमोशनली और बहुत ही रिचली डिस्क्राइब किया है। सो लेट अस बिगिन। नोएस्ट दाउ नॉट एट द फॉल ऑफ द लीफ हाउ द हार्ट फील्स अ लैंग्विड ग्रीफ। अब यहाँ पे जो स्पीकर है वो सीधा रीडर से बात कर रहे हैं, हम जो हम मैं जो पढ़ रही हूँ, जो आप पढ़ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं क्या हम अपनी फीलिंग्स के बारे में अवेयर हैं जो हमें ऑटम के ड्यूरिंग फील होती हैं। ऑटम के दौरान हम क्या फील करते हैं, क्या हम खुद जानते हैं कि हमारे दिमाग में, हमारे दिल में एक तरह की सटल सैडनेस आ जाती है। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे जो लीव्स हैं उनके ऊपर एक जेंटल ब्लैंकेट रख दिया गया हो, ऐसे ही हमारे हार्ट के ऊपर एक जेंटल सैडनेस का ब्लैंकेट रख दिया जाता है। एक मेलेंकोलिक फीलिंग होती है जो हमको ऑटम के दौरान फील होती है, क्योंकि पत्ते झड़ रहे होते हैं, फूल झड़ रहे होते हैं, तो इस टाइम पे हमारा हार्ट एक टाइप का ग्रीफ, एक मेलेंकली फील कर रहा होता है। लेड ऑन इट फॉर अ कवरिंग एंड हाउ स्लीप सीम्स अ गुडली थिंग इन ऑटम एट द फॉल ऑफ द लीफ। अब यहाँ पे बताते हैं कि जब ऑटम शुरू हो जाता है और हमको ऐसा फील होता है कि हमको हमारे ऊपर एक कवरिंग आ गई है, हमें कोई ब्लैंकेट से ढक दिया गया है, हमारे हार्ट को एक सैडनेस के ब्लैंकेट ने ढक दिया है, इस टाइम पे हमारी सोने की इच्छा, द डिजायर फॉर स्लीप, इट इंटेंसीफाइज। जो सोने की इच्छा होती है वो बहुत इंटेंसीफाई बढ़ जाती है। मतलब ये एक ऐसा वे बन जाता है, सोना एक ऐसी अच्छी चीज बन जाती है, स्लीपिंग बिकम सच अ थिंग जिससे हम सोलेस फाइंड करते हैं, सोलेस मिलता है हमें, शांति मिलती है और हम इस सीजन की शांति वाली ब्यूटी को फील कर पाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज एंड हाउ द स्विफ्ट बीट ऑफ द ब्रेन फॉल्टर्स बिकॉज इट इज इन वेन। ये बताते हैं कि कैसे, हमारे स्पीकर ये बता रहे हैं कि कैसे ऑटम के दौरान जो हमारे माइंड होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। जो यूजुअली हम रैपिड डिसीजंस ले लेते हैं, वो इस टाइम पे थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं। हमारी जो डायरेक्शन है
चीजों को समझने की वो भी थोड़ी कमजोर हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस सीजन। वी बिकम परहैप्स ओवरवेलम्ड बाय द सेंस ऑफ इम्परमानेंस। एक ऐसी फील आती है कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, पत्ते भी झड़ रहे हैं, तो यही फील हमको भी आती है अंदर से और हम एक तरीके के दुख में चले जाते हैं, एक वेन में चले जाते हैं और इसी के दौरान हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। इन ऑटम एट द फॉल ऑफ द लीफ नोवेस्ट दाउ नॉट एंड हाउ द चीफ ऑफ जॉय सीम्स नॉट टू सफर पेन। अब यहाँ पे जो स्पीकर है वो रीडर को पूछता है कि अगर हम इस बात को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं हम या इस फीलिंग को समझ भी पा रहे हैं? ये कहते हैं कि स्पीकर सिर्फ बोल रहे हैं इसलिए आप पढ़ रहे हो क्या, या फिर ये दुख आपको भी फील होता है? सो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू आस्क अ क्वेश्चन टू द रीडर्स। अब यहाँ पे पैराडॉक्सिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये बताते हैं कि ये जो दुख है नॉट टू सफर, ये लास्ट लाइन है ऑफ जॉय सीम्स नॉट टू सफर पेन, इसका मतलब है एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है ये कि जो सफरिंग है ये जो एक तरीके का दुख है यही ऑटम का असली सुख है। ये जो हमें बहुत ज्यादा स्लीपी फील हो रहा है, एक लूजनिंग ऑफ डायरेक्शन हो रहा है या फिर हर चीज स्लो डाउन हो रही है, दिस पेन इज द एक्चुअल जॉय ऑफ द ऑटम। सो यहाँ पे ये यही बताने बताने की कोशिश कर रहे हैं। नोवेस्ट दाउ नॉट एट द फॉल ऑफ द लीफ हाउ द सोल फील्स लाइक अ ड्राइड शीप बाउंड अप एट लेंथ फॉर हार्वेस्टिंग। अब यहाँ पे जो स्पीकर है ना वो एक कंपैरिजन करते हैं, एक इंसान का कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे टू अ ड्राइड शीफ ऑफ ग्रेन, एक ऐसे अनाज के दाने से जो सूख चुका है, बिल्कुल खत्म है मान लीजिए। यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो हार्वेस्टिंग सीजन है वो आ चुका है, जो हार्वेस्टिंग सीजन है सॉरी, कि कोई भी चीज जो एक टाइम पे फुल ब्लॉसम्ड थी उसका भी अंत आ गया है, वो भी सूख गई है। तो ऐसे ही लाइफ है जो एक टाइम पे आके एंड पे आ जाएगी, इट इज इनएविटेबल बिकॉज वी कैन नॉट चेंज इट। एंड हाउ डेथ सीम्स अ कमली थिंग इन ऑटम एट द फॉल ऑफ द लीफ। फाइनली जो हमारे स्पीकर हैं वो ये बताते हैं कि ऑटम के दौरान हमें डेथ भी ब्यूटीफुल लगती है, जैसे कि पत्ते जब गिर रहे होते हैं तो वो भी सुंदर लग रहे होते हैं। तो इसी तरीके से डेथ है, डेथ ऑफ अ ह्यूमन, डेथ ऑफ अ सोल, इट ऑल्सो अपियर्स ब्यूटिफुल और वी कैन से फिटिंग फॉर सिचुएशन, क्योंकि एक नेचुरल पार्ट है साइकिल ऑफ लाइफ का। जैसे कि सीजन चेंज होते हैं, सीजनल चेंजेस होते हैं, ऐसे ही लाइफ में भी चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली दीज सीजनल चेंजेस आर द मिरर्स टू द एक्चुअल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और एनी लिविंग बी। सो दैट इज द एंड ऑफ आवर पोएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव।